السلام عليكم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. लिसनर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर 13, सपोर्ट एंड मूवमेंट. इससे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो चुका है चैप्टर 13 का, जिसमें हमने तमाम जो टॉपिक्स हैं जो कि चैप्टर 13 में इंक्लूडेड है उनको डिस्कस किया है. आज का बाकायदा से आगाज़ करते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट. सपोर्ट, होल्डिंग अप एंड कीपिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स इन फॉर्म. किसी भी जिस्म के उस स्ट्रक्चर्स को और शेप को बरकरार रखना, उसको संभाले रखना, उसकी अपनी हालत में, उसकी अपनी साख में सपोर्ट कहलाता है. सपोर्ट इज टू होल्ड द बॉडी फर्म एंड कैरी इट्स वेट एंड स्ट्रक्चर टू सेव इट फ्रॉम फॉलिंग एंड कोलैप्सिंग. सपोर्ट से मुराद ये है कि किसी भी बॉडी को फर्म रखना, उसको स्ट्रॉन्ग रखना, उसको अपनी हालत में रखना, उसके वज़न और स्ट्रक्चर को गिरने से बचाना सपोर्ट कहलाता है. जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका ढांचा तामीर किया जाता है, उसका ढांचा ही उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इसके ढांचे के ऊपर ही तमाम बिल्डिंग को तामीर किया जाता है, इसको वो गिरने से नहीं बचने देता. यही काम है सपोर्ट का. सपोर्ट मीन्स बियरिंग द वेट ऑफ द बॉडी. सपोर्ट से मुराद ये है कि वज़न को उठाना और वज़न को बरकरार रखना. इट इज़ एन एक्ट ऑफ असिस्टिंग द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स टू कीप देम इन पोजिशन एंड फॉर्म. सपोर्ट का काम है बॉडी को और उसके डिफरेंट हिस्सों को असिस्ट करना, हेल्प करना, ताकि वो अपनी राइट पोजिशन में, अपनी सही फॉर्म में, सही हालत में रह सकें. इम्पॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सपोर्ट की इम्पॉर्टेंस या अहमियत क्या है. सपोर्ट कीप्स द बॉडी मास ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वन यूनिट. सपोर्ट तमाम बॉडी के मास को एक यूनिट, एक इकाई की फॉर्म में रखता है. उसका सारे का सारा वज़न, उसके जिस्म के तमाम हिस्से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कोऑर्डिनेट करके एक यूनिट बनाते हैं. सपोर्ट होल्ड्स अप एंड कीप्स द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स इन अ स्पेसिफिक शेप एंड फॉर्म. सपोर्ट पूरे बॉडी के शेप और स्ट्रक्चर को बैलेंस में रखता है, मेंटेन किए रखता है. तमाम स्ट्रक्चर्स अपनी खास शेप और अपनी फॉर्म में बरकरार रह सकते हैं. अगर सपोर्ट मौजूद ना हो तो इंसान का जिस्म एक लोथड़ा हो जो ना मूव कर सके और ना ही खड़ा हो सके. सपोर्ट इज़ अ मस्ट टू होल्ड द बॉडी फर्म एंड टू कैरी इट्स वेट एंड स्ट्रक्चर. सपोर्ट ज़रूरी है किसी भी बॉडी के लिए ताकि वो फर्म रह सके, वो स्ट्रॉन्ग रह सके, वो अपने वेट और स्ट्रक्चर को तवाज़ुन में रख सके, कोलैप्स ना करे, गिर ना जाए. सपोर्ट इसलिए ज़रूरी है. सपोर्ट सेव द बॉडी फ्रॉम फॉलिंग एंड कोलैप्सिंग. सपोर्ट बॉडी की हेल्प करता है ताकि बॉडी फॉल ना करे, गिर ना जाए, कोलैप्स ना कर जाए. सपोर्ट इज़ एसेंशियल फॉर डूइंग डेली वर्क. रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देने के लिए भी सपोर्ट इंतहाई ज़रूरी है. सपोर्ट का हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार है. सपोर्ट इज़ नेसेसरी फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन. सपोर्ट मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों के लिए ही ज़रूरी है. मूवमेंट से मुराद हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा जब मूव करें, जैसे कि हमारे हाथ मूव करें, हमारे पाँव मूव करते हैं, ये मूवमेंट कहलाते हैं. और लोकोमोशन से मुराद ये है पूरे का पूरा जिस्म एक होल यूनिट की फॉर्म में, एक पूरे इकाई की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, इसे हम लोकोमोशन कहते हैं. लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों के लिए सपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा अहम है. हमारे जिस्म में अब जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है दैट इज़ स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी में हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है. टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट आर ऑफ टू टाइप्स. मूवमेंट दो किस्म की हो सकती हैं. सबसे पहले है नॉन लोकोमोटर मूवमेंट, सेकंड वन इज़ लोकोमोटर मूवमेंट और लोकोमोशन.
नॉन लोकोमोटर मूवमेंट ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जिसमें पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकती। सेफ बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से अपनी ही जगह पर रहते हुए मूव करते हैं। लोकोमोटर मूवमेंट या लोकोमोशन से मुराद पूरी बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द नॉन लोकोमोटर मूवमेंट। पिक्चर्स में वीडियोज़ में आपको शो किया जा रहा है कैसे एक हैंड की मूवमेंट हो रही है। अपनी जगह पर रहते हुए एक हैंड फिंगर्स सारे मूव कर रहे हैं। नीचे आपको वीडियो में दिखाया गया कि एक मॉस्किटो अपने लेग को मूव कर रहा है अपनी जगह पर रहते हुए। द मूवमेंट इन विच द होल बॉडी रिमेन्स ऑन द सेम प्लेस और पोजिशन बट इट्स वन और मोर पार्ट्स मूव इज कॉल्ड नॉन लोकोमोटर मूवमेंट। मूवमेंट से मुराद नॉन लोकोमोटर मूवमेंट से मुराद ऐसी मूवमेंट है जिस पर पूरी बॉडी अपनी जगह पर रहती है लेकिन इसका एक या एक से ज़्यादा हिस्से मूव कर रहे हैं, हिल रहे हैं, इसे हम नॉन लोकोमोटर मूवमेंट कहेंगे। जैसे कि फ्लेक्शन है, जब हम अपने बाजू को पुल करते हैं ऊपर की तरफ ये फ्लेक्शन कहलाता है। हम किसी चीज़ को उठाकर ऊपर लाते हैं, पुल करते हैं अपनी तरफ, दैट इज़ फ्लेक्शन, जिसमें हमारा सिर्फ बाजू मूव कर रहा है, जिस्म के बाकी हिस्से अपनी जगह पर मौजूद हैं, सिर्फ हमारा बाजू मूव कर रहा है। सेम इस तरह एक्सटेंशन, जिसमें अपने बाजू को सीधा कर देते हैं, ये भी सिर्फ आर्म की मूवमेंट है, पूरी बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रही, पूरी बॉडी मूव नहीं कर रही। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड नॉन लोकोमोटर मूवमेंट। नेक्स्ट है लोकोमोशन। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि चिल्ड्रन आर रनिंग, दे आर होल बॉडी इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द मूवमेंट इन विच द होल बॉडी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस और पोजिशन टू अनदर प्लेस और पोजिशन इज कॉल्ड लोकोमोशन। ऐसी मूवमेंट जिसमें पूरी एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रनिंग, इस वीडियो में जैसे आपने देखा कि बच्चे भाग रहे थे, रन कर रहे थे, उनकी पूरी बॉडी एक यूनिट की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। नेक्स्ट इज वॉकिंग। वॉकिंग चलना, चलने में भी हमारी तमाम जिस्म के अज़ा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। सिमिलरली जंपिंग, जंपिंग में भी पूरी एक बॉडी ऊपर की तरफ उठ के नीचे आती है, ये भी लोकोमोशन कहलाता है। द स्केलेटन सिस्टम हेल्प्स इन नॉन लोकोमोटर एंड लोकोमोटर मूवमेंट्स। हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमारी मदद करता है ताकि नॉन लोकोमोटर और लोकोमोटर मूवमेंट्स परफॉर्म हो सके। स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स एंड जॉइंट्स। अब कौन से ऐसे हिस्से हैं स्केलेटन सिस्टम के जो सपोर्ट और मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, दैट आर बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स एंड जॉइंट्स। ये तमाम चीज़ें स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं और ये आपस में मिलजुल के कोऑर्डिनेट करके हमें सपोर्ट और मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं।